जो एक ऐसा चैनल है जिस पर आप सिर्फ एक वीडियो अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ एक वीडियो से अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। YouTube पर ये एक ऐसा सीक्रेट चैनल कैटेगरी है जिस पर वीडियो बनाने के लिए आपको कोई भी मेहनत या स्क्रिप्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए ना आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है, ना वीडियो में आपको अपना आवाज डालने की जरूरत है, ना आपको किसी भी तरह का प्लान या स्क्रिप्टिंग करने की जरूरत है, ना आपको वीडियो एडिटिंग करने की जरूरत है। दिन का आप सिर्फ 4 से 5 मिनट का समय निकालकर आप एक कंप्लीट वीडियो बनाकर उसे अपलोड भी कर सकते हैं, और इस तरह के चैनल पे इतना ज्यादा व्यूज आता है, इतना तेजी से ग्रो करता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अब इस चीज को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सा ऐसा सीक्रेट चैनल है जो इतना तेजी से ग्रो करता है, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे। तो ऐसे आपको विश्वास नहीं होगा। विथ प्रूफ यहां पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पार्थ किड नाम का एक चैनल है, और इस चैनल को अभी 28 दिन पहले बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो क्रिएट डेट है चैनल को जो बनाया गया है वो 13 अक्टूबर को बनाया गया है, और आज 10 नवंबर है, मतलब कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, और इन्होंने अपने चैनल पे सिर्फ 20 वीडियो अपलोड करके 5000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कर लिया है, और आज के दिन इनके वीडियो पे मिलियन में व्यूज आता है। लेकिन पहले जब ये वीडियो अपलोड करते थे तब कोई भी व्यूज नहीं आता था। जैसे कि अगर आप इनके नीचे की वीडियो को देखेंगे जिसको इन्होंने 20 दिन पहले अपलोड किया है, तो इनके वीडियो पे 400 व्यूज आया है, 100 व्यूज आया है, एक वीडियो पे इनके 2000 व्यूज आया था, उसके बाद इनका व्यूज एकदम से डाउन हो गया। जैसे कि एक वीडियो पे 31 व्यूज आया है, 22 व्यूज आया है, 22 व्यूज आया है, 26 व्यूज आया है, 34 व्यूज आया है, 55 व्यूज आया है। जैसे आपके वीडियो पे 10 20 24 व्यूज आता है, उसी तरह से इनके वीडियो पर भी व्यूज आता था, लेकिन इन्होंने वीडियो डालना नहीं छोड़ा, ये कंटिन्यू वीडियो डालते गए। और अभी आप देख सकते हैं कि 5 दिन पहले इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो पे 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। उसके बाद इन्होंने जो अगला वीडियो अपलोड किया 4 दिन पहले, उस पर आप देख सकते हैं 63,000 से भी ज्यादा व्यूज है। इसी तरह से ये वीडियो डालते गए, और आप देख सकते हैं इन्होंने कल जो वीडियो अपलोड किया है, एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया उस पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। तो ये एक ऐसा चैनल कैटेगरी है जिस पर अगर आप सिर्फ 10 से 20 वीडियो अपलोड करेंगे तो सिर्फ 10 से 20 वीडियो में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। आपने देखा ये चैनल अभी सिर्फ 22 से 25 दिन पुराना है, और इस चैनल पर अब आप देख सकते हैं कि मिलियन में व्यू जा रहा है। और वीडियो बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस बच्चों का जो छोटा छोटा खिलौना होता है उसी का यूज करके आपको टॉय वीडियो बनाना, खिलौने का वीडियो बनाना है। अब ये अकेला चैनल नहीं है, यूट्यूब पर इस तरह के जितने भी चैनल है सभी चैनल इतना तेजी से ग्रो करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो यूट्यूब पर जाइएगा और गाड़ी वाला कार्टून लिखकर सर्च करेंगे, या टॉय कार्टून, बच्चे का खिलौने वाला कार्टून, ऐसा कुछ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने हजारों वीडियो आ जाएगा, हजारों चैनल आ जाएगा। और कोई भी चैनल ओपन करके आप देखेंगे तो वो बहुत ही तेजी से ग्रो होता है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तारिकुल टॉय करके एक चैनल है, और इन्होंने देख सकते हैं सिर्फ 6 वीडियो अपलोड किया है और इनके चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और 6 वीडियो में भी 5 तो इनका शॉर्ट वीडियो है, मतलब इन्होंने अपने चैनल पे सिर्फ 1 वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं 1 वीडियो अपलोड हुआ है और उसी वीडियो पे 6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। और ये एकदम से नॉर्मल वीडियो है, जैसे हमारे घर में खिलौना होता है, हम लोग बाजार जाते हैं, मेले में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चों के लिए अलग अलग खिलौना लेकर आते हैं, बस उसी खिलौने के यूज करके इन्होंने वीडियो बनाया है और 1 वीडियो से 50,000 सब्सक्राइबर हो गया है। जहां पर एक चैनल और आप देख सकते हैं राहुल क्रिएटर चैनल का नाम है, सिर्फ 40 वीडियो अपलोड किया गया है और इनके चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और व्यूज आप देखेंगे तो व्यूज मिलियन में है। जैसे कि पहले वीडियो पे 75 मिलियन व्यूज है, दूसरे वीडियो पे 12 मिलियन व्यूज है, 9 मिलियन व्यूज है, 5 मिलियन व्यूज है, और वीडियो आप देखेंगे एकदम से सिंपल वीडियो, आपको कोई भी हाईफाई सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हाईफाई लाइटिंग की जरूरत नहीं है, माइक की जरूरत नहीं है, जो आपके मोबाइल का नॉर्मल कैमरा है उसी का यूज करके आपको वीडियो बनाना है। ये वीडियो आपको देखने में लगेगा कि यार क्या बोरिंग वीडियो, इसको कौन देखेगा, लेकिन ये वीडियो बच्चे देखते हैं, क्योंकि बच्चों के पास वो दिमाग नहीं होता है कि वीडियो में क्या हो रहा है, बस उनको मजा आना चाहिए, उनके पास उनको दिखाई दे हाँ ये खिलौना है, खिलौने से कोई खेल रहा है, बस उनको उतना में ही मजा आ जाता है। और इसी कारण से ऐसे चैनल पर आप देखेंगे कि सब्सक्राइबर कम होते हैं लेकिन व्यूज मिलियन में आता है। जैसे कि यहां पर एक और मैं आपको चैनल दिखाता हूं, एडी टॉय। अब एडी टॉय चैनल पर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर 950 है, मतलब कि 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन वीडियो पे भर भर के व्यूज आता है। अब ये व्यूज जानते क्यों आता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर होता क्या है कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे लेकिन वीडियो पे भर भर
सब्सक्राइबर के व्यूज आएगा, जैसे कि इनका खुद आप देखे कि इनके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है लेकिन वीडियो पर आप व्यूज देखेंगे। अभी 2 दिन पहले जो अपलोड हुआ 74,000 व्यूज है, 3 दिन पहले जो अपलोड हुआ 71,000 व्यूज है, 1 दिन पहले जो अपलोड हुआ 29,000 व्यूज है, 8 दिन पहले जो अपलोड हुआ 24,000 व्यूज है। तो इस तरीके से जो चैनल होते हैं उस पर सब्सक्राइबर तो कम होते हैं क्योंकि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसे में भले ही आपके सब्सक्राइबर थोड़े कम होते हैं लेकिन वीडियो पे भर भर के व्यू जाता है। और YouTube पर तो सब्सक्राइबर को कोई मायने है नहीं, अगर आपके वीडियो पर व्यू जा रहा है तो आपको पैसा मिलेगा, सब्सक्राइबर का कोई लेना देना नहीं है। और वीडियो भी आप देख लो एकदम से सिंपल वीडियो, ना कोई आपको स्क्रिप्टिंग करने की जरूरत है, ना प्लान बनाने की जरूरत है, ना मेहनत करने की जरूरत है, ना एडिटिंग की जरूरत है, ना आवाज डालने की जरूरत है, ना चेहरा दिखाने की जरूरत है। कैमरा चालू किया, छोटा मोटा जो खिलौना इधर से लगे उधर ले गया, इधर ले गया उधर ले गया, आपका एक वीडियो बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से YouTube पर हजारों चैनल, जैसे कि सियाराम ट्राय करके भी आप एक चैनल देख सकते हैं, नॉर्मल वीडियो बनाते हैं और इनके वीडियो पर भी आप देख सकते हैं लाखों में व्यूज है, मिलियन में व्यूज है। सिंपल सिंपल सा वीडियो होता है जो बच्चों का खिलौना होता है, उसी का यूज करके आपको वीडियो बनाना है। और ये सभी चैनल मोनिटाइज, सभी वीडियो मोनिटाइज, इनसे अच्छा खासा एड भी आता है, अच्छा खासा अर्निंग भी होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरह का वीडियो बनाने के बारे में मैं बात करूं। अमेजोन पर आप ट्राय लिखकर सर्च करेंगे, आपको 100-200 रुपए में अच्छे अच्छे खिलौने मिल जाएंगे। मीशो वगैरह पर तो अगर आप 300 रुपए लगाएंगे तो आपको 100-150 छोटे छोटे खिलौने मिल जाएंगे, जिसे लेकर आइए और उसी का यूज करके आपको वीडियो बनाना है। अब आपको रोजाना तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, एक बार अगर आपने 200-300-400 रुपए का खिलौना खरीद लिया तो उसी का यूज करके आप 100-150 वीडियो बना सकते हैं। जैसे छोटा छोटा खिलौना होता है, ट्राली होता है, पिकअप होता है, ट्रक होता है, उसमें आपको चीज डाल दीजिए, इधर से ले जाइए, उधर से ले जाइए, इसको पलटिए, मतलब ये सारी चीजें, आपको छोटा सा खेत बना लेना, उसी में जोतना है, उसी में आपको फसल बोना है। इस तरीके का आपको छोटा छोटा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना है जो बच्चों को मजा दे, क्योंकि ये चीजें आपको लगेगा कि यार ये तो बोरिंग है, इसको कौन देखेगा, ये इसमें दिमाग, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये वीडियो कौन देखता होगा, इतना फालतू वीडियो, इतना बकवास वीडियो कौन देखता होगा, लेकिन ये बच्चे देखते हैं क्योंकि बच्चे को उन्हीं में मजा आता है। उनको ये नहीं चाहिए कि कोई अच्छा चीज, क्रिएटिव चीजें, दिमाग वाला चीजें, एजुकेशन वाला चीजें, इनसे उनको जरूरत नहीं, उनको मजा आना चाहिए। बस आपको इसी तरह का वीडियो बनाना जैसे बच्चे खेलते हैं, आपको एकदम से बच्चा बन जाना और खेलते हुए वीडियो बनाकर आपको रिकॉर्ड करना, को भी एडिटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधा आप अपलोड कर सकते हैं। और इस तरह का चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो करता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और वीडियो पे भर भर के व्यूज भी आता है। अगर आपके चैनल पे 100-200 सब्सक्राइबर हैं तब भी आपके वीडियो पे हजारों में व्यूज आएगा, 10,000, 20,000, 50,000 व्यूज आएगा। तो इस तरीके का चैनल आप भी बना सकते हैं। बाकी अगर आपको इन चीजों के बारे में और कुछ पूछना या कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।